नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दीरे का मैदान में जिला प्रशासन द्वारा 111 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया, जिसमें 9 जोड़े अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। प्रत्येक जोड़ों को जिला प्रशासन द्वारा घरेलू उपयोग व गृहस्थ जीवन हेतु सामग्री दिया गया तथा प्रत्येक जोड़ों में 35,000 रूपए जो की प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, जिसमें 20,000 रूपए कन्या के अकाउंट में व 15,000 रूपए वर पक्ष को दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगे मंडप व बैठे वर वधु पक्ष के लोग। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय प्रताप यादव जी, ये बताइए कि इनके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या सुविधा दी गई है? प्रशासन की तरफ से इनके एक जोड़े पर जो है 35,000 रूपया खर्च किया जाना है, जिसमें से 20,000 रुपया जस्ट निकाह के बाद इनके अकाउंट में, कन्या के अकाउंट में 20,000 रुपया सीधे RTGS के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। शेष जो 15,000 है उसमें 10,000 में जो सामग्रियां दी जानी है, उसमें गिफ्ट आइटम है, बिछुआ है, पायल है, एक शौचालय, जिनके पास शौचालय नहीं है उनके पास शौचालय का स्वीकृति लेटर है, गैस कनेक्शन है, 7 जोड़ी बर्तन है। वाराणसी में कांग्रेस के जन जागरण सत्याग्रह अभियान के क्रम में मड़ुआटी बाजार में महमूरगंज फ्लाईओवर के निकट आयोजित सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री अजय राय ने कहा कि काशी जाम की समस्या से लगातार जूझ रही है और लंबे समय से निर्मित इस फ्लाईओवर को प्रधानमंत्री के हाथ से उद्घाटन व समारोह के लिए बंद करके रखना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें व्यापार मंडल मड़ुआटी के अध्यक्ष विनोद गुप्ता, महामंत्री काशीनाथ गुप्ता व परमेश्वर राय जी आदि मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते पूर्व विधायक अजय राय, सबकी दुकानें तोड़ दी गई, गरीबों को उजाड़ दिया गया, ठीक है लोगों ने दिया स्वेच्छा से दिया, अपने से भी तोड़ा, पर इसके लिए तोड़ के अपने दुकानों को छोटा किया, अपने मकानों को गिरा दिया कि आप 4 महीने से इसको बना के केवल मोदी जी इसका फीता काटेंगे, इसलिए 4 महीने से बनाकर छोड़ा हुआ है। अभी आप अपने कार्यालय का उद्घाटन आज करते हैं, जैसा मैंने अभी समाचार पत्रों में देखा और टीवी में देखा कि आज कोई भाजपा का बड़ा एक हाईटेक कार्यालय दिल्ली में बना है, अरबों रुपया लगकर, शायद वो नीरव मोदी वाला कहीं ना कहीं मामला है उसमें भी। अब ये चीजें सामने हैं, वो चीजें आएंगी, अरबों खरबों रुपए लगाकर हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन आप कर सकते हैं। आज ये 4 महीने से बंद करके तैयार है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और बढ़िया फीता काटेंगे, बढ़िया कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम होगा और तब ये फिर फ्लाई, ये जो ये फ्लाईओवर है आपका मड़ुआटी के लोगों के लिए, बनारस के लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। ये देखिए, ये सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री के और हमारे यहाँ के नेताओं की। आज मैं समझता हूँ कि अगर आप इतने हाईटेक चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं, इतने हाईटेक चीजों से अपना काम करते हैं, आपने कार्यालय उद्घाटन किया, अरे वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बनारस के स्कूल का भी उद्घाटन आज ही कर देते। बाबू फतेह बहादुर सिंह इंटर कॉलेज नवाई चिलबिला इलाहाबाद में बच्चों से पैसे वसूली किया जा रहा था। पैसे ना देने पर प्रबंधक साहब और उनके कुछ बाहर से आए हुए आदमी बच्चों को मारते पीटते हैं। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कहती है कि पेपर दो वरना अंदर बंद कर देंगे। कहां रहने वाले हो? सर भारत में रहने वाले हैं, सर हम बाहर भी गेट के बाहर भी चले गए थे, पूरे क्लास में नकल हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका नकल हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका नकल नहीं हो रहा है। जालौन के कोंच थाना के ग्राम बसोर में ग्राम प्रधान राजेश पालीवाल राजपूत के नेतृत्व में विद्युत विभाग अवर अभियंता संजीव कुमार, संतोष कुमार, लाखन सिंह, अरविंद, मिथुन, लाइनमैन ने ग्रामवासियों को सस्ते दर पर बिजली के कनेक्शन लेने की अपील की, जिसमें गांव के अधिक से अधिक लोगों ने कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किए। इलाहाबाद में फूलपुर के घनश्याम महाविद्यालय में कौशल विकास केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया रोजगार मेला। इस मेले में प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को रोजगार देने के लिए 6 बड़ी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन करने के लिए आईं। इस रोजगार मेले के मुख्य अतिथि फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास केंद्र योजना बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। कौशल का विकास करने की ऐसी योजना है जिसमें हम निःशुल्क में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और फिर उनको नौकरी मिलने में सहयोग करते हैं, उन्हें सिखाते हैं हाथ का हुनर, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कुछ जीविका चला सके। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैनपुरी के किशनी चौराहे पर दूध लेने जा रही लड़की को ट्रक ने मारी टक्कर, लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने ग्वालियर से बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम। करीब दो घंटे बाद परिजनों को इंस्पेक्टर समरेश सिंह के द्वारा समझाने पर जाम को खोला, पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है। झूसी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राम कृपाल यादव जी का आगमन, ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर श्री अरुणेंद्र कुमार उर्फ डब्बू यादव जी के निजी आवास व कार्यालय पर उनके निजी कार्यक्रम में जोरदार स्वागत से हुआ। वहां पर ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर क्षेत्रीय विधायक परवीन पटेल, चंद्रजीत यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य महमूद आबाद व इनके बड़े भाई अमर सिंह यादव, मुलायम यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य हीरामणि यादव व अमित सेन यादव और उनके साथीगण मौजूद रहे। दिव्यांगों को सीएम ने अपने आवास पर बांटी स्कूटी, स्कूटी पाकर दिव्यांग बहुत खुश दिखे एवं उसे स्वयं चलाकर घर ले गए। जौनपुर में सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर की तरफ से आ रही रुधौली बाजार में ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे चार घंटे लखनऊ सुल्तानपुर रोड जाम रहा। नेता अजीत प्रजापति सांसद प्रतिनिधि ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के दो घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला अलीगढ़ थाना अकबराबाद के ग्राम करहला मणिपुर में काटा गया 7 साल नए युवा आम के पेड़ों का बाग, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष विनोद कुमार को दी गई, किंतु उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी सूचना एसडीएम पंकज वर्मा को देने पर तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन 3 दिनों तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। पंकज वर्मा ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आज खबरों में बस इतना ही, आगे खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़।